अभी हम चल रहे हैं निधिवन की तरफ। फाइनली वी एंटर्ड निधिवन। दो फॉरेनर आए थे और उन लोगों ने यहाँ पर देखा था छुपके, थोड़ा सा मतलब ये देखते कि क्यों है या नहीं, तो मिले नहीं थे बाद में। ये निधिवन, निधिवन का मतलब होता है 16108 गोपियों का वन। कैमरे में देखो, ओहो कहाँ से कराया मेकअप आपने? आ चुके हैं भाई क्वांटम टेंपल देखो। अभी हम चल रहे हैं निधिवन की तरफ। अब निधिवन में क्या सीन है भाई, बताओ कुछ डिटेल तो बताओ निधिवन के लिए। आपको तो बता तो आते रहते हो। निधिवन वो है जहाँ पर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी रास रचाते थे। ओके, कैसे रास? रास होता है मतलब एक टाइप का डांस डांस टाइप, और उसके साथ में होती थी गोपियाँ। ओके, ठीक है। लगभग ये बोला जाता है कृष्ण की 16,000 गोपियाँ होती है, ठीक है ना। कह सकते हैं कि ऐसे बोलते हैं ना, श्री कृष्ण की 16,000 वाइफ है, तो कहीं ना कहीं एक सखियाँ रहती है, और सबसे जो मेन सखी थी वो थी ललिता। ओके, ठीक है। तो उधर भी उनका मंदिर है, और कहीं ना कहीं जो ललिता है वो हरिदास की अवतार है। ओके, उधर ही वो उनका मंदिर है। और 16,000 वाइफ। जो निधिवन की जो मेन खासियत है ना, वो वहाँ पर है कि जो हर एक वहाँ पर जो वन है ना, वो तुलसी जो कैमरा अंदर रख रहा हूँ बना हुआ है, और वो तुलसी हर एक ऐसी फॉर्म में है कि वो रास कर रही है, मतलब एक दूसरे से ऐसे इस शेप में वहाँ पर रहते हैं। चलो वहाँ पे जाके दिखाते हैं, आगे जाके दिखाएंगे। और फिलहाल ना कैमरा अंदर धर रहा हूँ भाई, बंदर छीन ले। सो गाइस फाइनली वी एंटर्ड निधिवन। निधिवन का रास्ता ऐसे जाता है भाई इधर से। सो गाइस निधिवन स्टार्ट हो गया है। देखो भाई कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। भाई ये नीचे पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। तो जाता कि दो फॉरेनर आए थे और उन लोगों ने यहाँ पर देखा था, हाँ मतलब छुप के थोड़ा सा मतलब ये देखते कि क्यों है या नहीं, हाँ तो मिले नहीं थे बाद में। मिले नहीं थे या फिर ज्यादा अंधे हो जाते हैं ऐसा कुछ, पता नहीं उनको ज्यादा। मैंने भी सुना था कि अंधे अंधे हो जाते हैं ऐसा कुछ, डिसेबल कर देते। ठाकुर जी आकर के यहाँ पे रास करते हैं गोपियों के साथ में। कोई रहता नहीं है, रात को मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मंदिर को बंद करने के बाद में यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। 16,108 गोपियाँ है, कृष्ण आकर के यहाँ पे रास करता है, और कहते हैं कि 16,108 गोपियाँ तो 16,108 ही कृष्ण, सबको अलग अलग कृष्ण। और ये वृक्ष आप देखोगे सब जोड़े के साथ में मिलेंगे, आपको अकेला कोई भी वृक्ष नहीं मिलेगा, सब जोड़े के साथ में मिलेंगे। कोई भी वृक्ष आपको सीधा नहीं मिलेगा, सब टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की छवि टेढ़ी है। और कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी घास नहीं उगती हुई दिखाई देगी यहाँ पे कहीं पे भी जमीन में, और ना ही कोई नया पौधा उगता हुआ दिखाई देगा। क्या कहते हैं, ये पुराने पौधे हैं, युगों पुराने पौधे हैं, उसी के टाइम के पौधे हैं। और आज ये नीचे से देखोगे तो खोखले मिलेंगे आपको, लेकिन ऊपर से देखोगे तो हरे भरे मिलेंगे। इनका यही चमत्कार है, इसी चमत्कार को ही नमस्कार है। रात को गोपियाँ बन जाती हैं, दिन में वृक्ष बन जाते हैं। वृक्ष बनने के बाद में इनकी डालियाँ टूट के नीचे जो गिरती हैं, उनको सेवादार आते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में यहाँ के ब्राह्मण उनको जमुना जी में ले जाते हैं और उनको स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में नंद बाबा के घर में दाऊ जी के चरणों में उनको रख देते हैं। मंगला आरती होती है, उनकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद में वो प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने के बाद में उनकी बनती है मनोकामना तुलसी की माला, जो भक्त लोगों को दी जाती है, जो भक्त लोग लेके जाते हैं मनोकामना के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आप दर्शन करके आए हो, ये है प्रकट स्थान। यहाँ पे सारा जंगल था, कोई मंदिर नहीं बना था ना कुछ बना था, जंगल था। यहाँ पे कुंज बिहारी श्री हरिदास जी महाराज ने 12.5 वर्ष तक तपस्या की। 12.5 वर्ष तक तपस्या के प्रभाव से यहाँ से दो मूर्तियों को प्रकट किया। कौन कौन सी दो मूर्ति? एक तो बांके बिहारी जी की मूर्ति, जो आपने दर्शन किया होगा, स्वयं इसी भूमि से प्रकट हुई मूर्ति है, किसी कारीगर के आपकी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। और दूसरी मूर्ति है वृंदावन बिहारी। वृंदावन बिहारी कौन है? कृष्ण भगवान के बड़े भाई वृंदाव जी महाराज, उनकी मूर्ति को, दोनों मूर्ति यहाँ पे रखी हुई थी जंगल के अंदर। एक जयपुर के सेठ जी आए, उनके मन में ठाकुर जी ने प्रभाव डाला, मन में भावना डाली, उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया बांके बिहारी जी का। वहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर बनवाया, उस मूर्ति को ले जाकर के वहाँ पे स्थापित करा दिया। दूसरी मूर्ति वृंदावन बिहारी की, उनको ले जाकर के नंद बाबा के घर में स्थापित करा दिया। दोनों मूर्तियों को अलग अलग जगहों पे स्थापित कराया, और स्थापित कराने के बाद में यहाँ पे ये भक्ति स्थान भी बोलते हैं, इसे रास मंडल भी बोलते हैं, और भक्ति स्थान भी बोलते हैं, और निधिवन भी बोलते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गाइस तो निधिवन में होली सेलिब्रेट करी जा रही है, और ब्रिज की होली तो भाई वर्ल्ड फेमस होली है हर जगह। आकाश भाई वर्ल्ड फेमस होली है ना, बंदगांव में होते होली मस्त, हाँ लठ मार होली। पर ये तो यहाँ पे तो वैसे ही होते ना, ब्रिज होली बोलते ना, ब्रिज की होली। तो ये खिड़कियाँ वगैरह सब अपनी बंद करके सोती है, बंद कर देते हैं, और किसी किसी ने पक्की ही बंद कराई है। तालों के अंदर उन्होंने अपना भी ताला एक लगाया था। ये इतने सारे पत्थर लगा रखे हैं यहाँ पे,
So guys, अब जा रहे हैं नंद भवन की तरफ। बुला करके यहाँ पे इस मंदिर के अंदर बुलाया और वो यहाँ पे बुला करके यहाँ पे चार धाम को अपने माता पिता का रेड उतारने के लिए चार धाम को यहाँ बुला के स्थापना कराई। तो कहते हैं जब से यहाँ पे चार धाम वास करते हैं और जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है दाऊजी महाराज की, तो कहते हैं यहाँ पे जो कृष्ण भगवान जी जो वृक्ष आप देख रहे हो इसको बोला जाता है वंशीवट वृक्ष। वंशीवट वृक्ष का मतलब होता है वंशीवट सौ वृक्ष नहीं नंदगांव सौ गांव और वृंदावन सौ वन नहीं कृष्ण नाम सौ नाम। कहते हैं कृष्ण भगवान यहाँ पे हमेशा वास करते हैं। पीछे यमुना जी तो भगवान यहाँ पे गायें चराया करती थी, अपनी ग्वालों के साथ खेला करते थे, इस वंशीवट वृक्ष पे बैठ करके बांसुरी बजाते थे, तो सारी गायें आकर के यहाँ पे इकट्ठी हो जाया करती थी। यहाँ पीछे यमुना जी काली जी का मंदिर है। कहते हैं कालियानाथ को निकाला, तीन दिन तीन रात तक युद्ध किया भगवान ने उनसे। तीन दिन तीन रात तक युद्ध करने के बाद में भगवान ने आके यहाँ पे विश्राम किया। माता यशोदा ने उनसे पूछा, बेटा तुम तीन दिन से कहाँ पे थे, क्या थे? मैं व्याकुल थी, तो क्या खाया क्या पिया कहाँ रहे? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कालियानाथ को बढ़ाने के लिए गया था और तीन दिन से ना मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया है। तो माता यशोदा ने ठाकुर जी को तीन प्रकार के भोग लगाए। कौन कौन से? सबसे प्रिय जो होता है माखन मिश्री का प्रसाद, और दूसरा लगाया था खिचड़ी का प्रसाद जो जगन्नाथ पुरी में लगता है, और तीसरा भोग लगाया था द्वारका में जो लगता है छप्पन भोग का प्रसाद। तीन प्रकार के भोग को ठाकुर जी को लगाए, तब से ही वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर है, ठाकुर जी का भोग प्रसाद कहीं पर नहीं लगता है, ना कहीं पर बताया जाता है। भोग लगता है तो सिर्फ उनके घर में लगता है, क्योंकि इंसान कहीं पर भी घूम के आए तो खाना काम पे खाता है अपने घर पे। तो भगवान का यहाँ पे तीन प्रकार का भोग लगता है, तब से ही यहाँ पे श्रद्धालु लगाते हैं, और श्रद्धालु लोगों को जिसकी भावना होती है, जैसा भगवान ने जिसको जैसा दिया है, वो ठाकुर जी का ऐसा ही भोग प्रसाद लगा के जाते हैं, नहीं तो राधे राधे करते जाते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे चार धाम वास करते हैं, जो अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा नहीं करा पाते। ये कहते हैं श्रवण कुमार ने जो अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा कराई थी, भावना होती है इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, बंगाली में, हर भाषा में आपको ये पत्र मिलेगा। यहाँ पे आते हैं जो अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा नहीं करा पाते, अपने परिवार को नहीं करा पाते। कहते हैं कि शरीर को काल खा जाता है, नाम को काल कभी नहीं खाता है। तो वो अपने माता पिता का नाम लिखाते हैं, अपने परिवार का नाम लिखाते हैं, अपने बच्चों का नाम लिखाते हैं, और जिस दिन आए उस दिन की तारीख लिखाते हैं। तो इस मंदिर के एक मेंबर भी बन जाते हैं, और एक मंदिर के अंदर छोटा सा मंदिर अपने घर में परिवार के नाम का बना के चले जाते हैं। जब तक चारों धाम रहेंगे, जब तक माता पिता का नाम रहेगा। कहते हैं कि यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, उनको घर पर बैठे हुए भी अभी भी फल यहाँ का मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि यहाँ पे भक्त लोग दर्शन करके आते हैं, भगवान का भ्रमण करके आते हैं, और यहाँ पे आते हैं, इनके पैरों पड़ते हैं, चरण पड़ते हैं, रज इनके नामों से लगती है, तो घर पे बैठे बैठे ही फल प्राप्त हो रहा है। कहते हैं यहाँ पे आकर के भी एक मंदिर बना के चले जाते हैं। आज तो मंदिर ही मंदिर घूम रहे हैं। क्या है? दूर पीछे पीछे समझ नहीं आती तुम्हारे एक बार की गई भाई, देख रहे हो परेशान कर रहा है छोटा भाई अपना परेशान कर रहा, देख लो। हैं भाई नाले निर्णय चार तने कैमरे में क्यों आ रहा तू, ये बता पांडा से। कहाँ चल रहे अभी हम? इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल उसके बाद? उसके बाद घर। घर वहाँ नहीं चलना, प्रेम मंदिर चलना है। आई डोंट नो, मन नहीं है, मन भी नहीं है, और टाइम भी नहीं है। सुतरी नहीं, ये कैमरे का कमाल है, इसमें तो सब। हाँ ग्लोसा कर रहा है फेस, है ना, डार्क सर्कल के साथ। देखो आए हो, कैसी हो गई? हाँ लिटरली देखो, अपनी अपना फेस देखो, देखो इसमें, और मेरा भी देखो, डार्क सर्कल हो गए हमारे दोनों के, भाई के भी हो गए, आशीष भाई के। ये बात भी सही है। इधर 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 कैमरे में देखो, कैमरे में देखो। ओ कहाँ से कराया मेकअप आपने? इधर देखिए कहाँ से मन के आए, बताना भाई कहाँ से करा के आए मेकअप, कितना पैसा लिया आपसे इसने? कर देने को तो जा भाड़, बहुत बुंडी ला गया। आप अकेले अकेले मैगी खा रहे हो? तंदूरी मैगी, वन मोर प्लीज फॉर मी। सो गाइस ये अपनी मैगी आ चुकी है, और ये नई टाइप की मैगी है, तंदूरी मैगी। टेस्ट करके बताओ ब्रो, हाउ इज इट? स्नैप ले लो पहले, स्नैप ले लो। रिव्यू रिव्यू ब्रो, रिव्यू मैगी का रिव्यू दो। जल्दी 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 खा के बताओ कैसी है, फिर हम अपने ऑडियंस को ही बताएंगे कैसी है। टेस्ट आर गुड और नॉट? तंदूरी टेस्ट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, प्लेन वाला आ रहा है, स्पाइसी वाला है ना, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तो खानी चाहिए या नहीं? वर्थ इट है, इधर उधर जब जाएंगे तो इसमें बट एक चीज बताएं, पहाड़ों वाली मैगी तो पहाड़ों वाली है, चाहे प्लेन ही क्यों ना हो, चाहे प्लेन ही क्यों ना हो। सो गाइस आ चुके हैं भाई स्कॉन टेम्पल, देखो अभी तो बनने भी लग रहा है यहाँ पे ये, बट
यहाँ पे एंट्री कुछ ऐसी है और ऐसा कुछ यहाँ पे एंट्रेंस बना रखा है। देखो कैडा भाई, और यहाँ भीड़ भी नहीं है, है? अति सुंदर। ठीक है, समझ गया भाई। सो गाइस, ये है इस्कॉन टेम्पल की एंट्री कुछ यहाँ पे, और इसको भाई बोलते हैं अंग्रेजों का मंदिर भी। फाइनली गाइज, फाइनली हर जगह दर्शन करके आ चुके हैं भाई, और अभी हम रुके हैं यहाँ होटल हाईवे किंग। हमेशा की तरह जैसे हमेशा रुकते हैं कहीं भी जो ट्रिप पे जाते हैं, तो ये हमारा कर दो लोग नहीं बनाता, मैं ऐसे फ्लैश दिखा, फ्लैश होना है बस और कुछ नहीं है अपने मुंह को। बट यहाँ पे इसका नाम ब्रिज हाईवे किंग कर दिया, जो ये ब्रिज ही दिया वो वाला जो है होटल हाईवे किंग है वहाँ पे जयपुर वाले पे, जो सारे हाईवे किंग पता नहीं कितने हाईवे किंग बना रखे हैं। तो मैं वही बता रहा था अभी कि भाई कहीं भी ट्रिप पे निकल दो हाईवे किंग पे रुकना है, क्योंकि हाईवे किंग अभी ये रंबी राजा ही है, जब राजा तो फिर महल में रुकेगा। चलो तो अभी जो है भाई जरा रिफ्रेशमेंट वगैरह ले लेते हैं कुछ, है ना, लाइक टी कॉफी। चलो तो भाई ये लास्ट स्टॉप होगा अपना, और उसके बाद सीधा निकले घर की तरफ। यहाँ से भाई और हम मतलब अलग अलग गाड़ी में हो जाएंगे, बट स्टिल चलेंगे साथ ही थोड़ा आगे तक अभी, है ना। कितना किलोमीटर? 150 अप्रोक्स, 150 200 थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो मेरा भी उतना ही बढ़ जाएगा डिवीजन के बाद, उतना ही बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ। अच्छा पापा कराएंगे भाई डिनर आज, पापा क्या खिला रहे हो बताओ? जो आप खाओगे वो खिलाएंगे बेटे। अच्छा जो भी ऑर्डर करो खिलाएंगे। हमें कुछ नहीं खाना, हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है बस। कोल्ड ड्रिंक पीनी, ठंडा पियो, चाय पियो, बुलेट की चाय पियो, खाना। वो तो भाई यार बताइए क्या पियेंगे भाई, तो भाई यार बताओ, भाई आकाश भाई बताओ। ये बात भी सही है, देखो भाई फटाफट से ऑर्डर कर दो, चलो हाँ आराम से जाना, ठीक है, बाय 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 बाय, चलो ठीक है भाई, क्या हो गया? अरे नहीं नहीं नहीं, चलो जी भाई फैमिली को ही बाय बाय बोल दिया, तो भी निकल गए भाई अपना अलग रास्ते पे, और हम भी आ गए हैं भाई अब मुंबई एक्सप्रेस वे पे, मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है भाई, देख लो कितनी लाइन का रोड है, 1 2 3 4 लाइन तो यहाँ है, और 4 लाइन वहाँ, मतलब 8 लाइन का रोड हो गया। सर काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगा घर की तरफ जल्दी है, और भाई चल गए एडिटिंग वेडिटिंग करेंगे, रेस्ट करेंगे, तब तक जाकर एडिटिंग देखेंगे, अभी करेंगे या कल करेंगे देखते, पहले घर पहुँचो फटाफट का।